ये हमने मंगाया है इनाल्सा ओजॉय प्लस, ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया, फ्लिपकार्ट से आया है एंड द डिलीवरी वॉज इन 3 डेज, 3 to 4 डेज और जल्दी आए फ्लिपकार्ट से और ऑफर में था, ये डील में था एंड इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे वैक्यूम क्लीनर्स हैंड हेल्ड वाले, खास करके अभी बड़े बड़े और हैवी वैक्यूम क्लीनर्स का ज़माना चला गया है, तो आजकल हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर्स आ रहा है जिसमें रिमूवेबल हेपा फिल्टर होता है। तो इसमें आप देख सकते हो ऐसा बॉक्स है, इसका क्या क्या है, लाइट वेट है, मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन है, 5 मीटर लॉन्ग कॉर्ड है, वॉशेबल हेपा फिल्टर, स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर, हैंड ग्रिप, 1 ट्विस्ट ओपन, 800 ml, ट्रांसपेरेंट डस्ट टैंक और पावरफुल 14 kPa। तो ये जो है ये वैक्यूम प्रेशर देख के ही मैंने मंगाया है, बाकी जो था एगारो और भी वैक्यूम क्लीनर्स के जो रिव्यूज़ थे उसमें ये KPA जो सक्शन पावर है वो इतना नहीं था, तो इसका मुझे अच्छा लगा। तो ये 14 kPa और SSB है और ये आप देख सकते हो 1 ईयर वारंटी है, HEPA फिल्ट्रेशन एंड पावरफुल 700 वॉट्स। हमारे पास BPL का था, वो 800 वॉट्स का था, वो हैवी था, पूरा व्हील के साथ था एंड दिस इज इनफ फॉर अस 700 वॉट्स। तो बस ऐसा कुछ है एंड पावर ऑन ऑफ बटन यहाँ दिख रहा है, यहाँ QR कोड है, स्कैन एंड डाउनलोड इनाल्सा कनेक्ट ऐप है जो हम करेंगे आगे जाके, और ये ऐसा हेपा फिल्टर आता है इसका फ्लेक्सिबल होस्ट के साथ एंड दिस हेपा फिल्टर इज वॉशेबल। मेरा कार का जो वैक्यूम क्लीनर है पोर्टेबल, उसमें भी ये ऐसी हेपा फिल्टर है, तो यू कैन यूज़ इट और आपको ये हेपा फिल्टर आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो वॉक के अंदर ये आपको होस पाइप दिखाई देता है सबसे पहला, और ये यूनिट है, यूनिट को रखते हैं हम साइड में और देखते हैं क्या क्या है। ये एक्सटेंशन कॉर्ड है, ये इसके नोजल्स है, ड्रश एंड क्रेवाइस नोजल्स, और यहाँ आपको फ्लोर अटैचमेंट मिलता है और फ्लेक्सिबल है ये काफ़ी, और व्हील्स भी है, ये भी खोल देंगे और देखते हैं सीधा यूनिट। ये है ऐसा कुछ इसका यूनिट, काफ़ी स्टर्डी लग रहा है एंड रजिस्टर योर प्रोडक्ट टू अवेल वारंटी ऐसा दिया हुआ है जो हम करेंगे अभी थोड़े ही देर में। और ये देखिए ये भी एक है, 12 मिनट से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, कंटिन्यूस यूज़ नहीं करना है, फॉर लॉन्गर मोटर लाइफ, जो हम नहीं करेंगे। तो ये ऐसा कुछ है, तो ये देखिए ट्विस्ट करके ये हेपा फिल्टर है, और ये इसका डस्ट बैग है, हेपा फिल्टर ऐसा इजीली रिमूव कर सकते हैं, और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं एकदम रीजनेबल रेट में एंड दिस इज वॉशेबल। बस ये एकदम सिंपल है और इसका कॉर्ड भी काफ़ी लंबा है, 5 मीटर लॉन्ग है। तो एक्चुअल यूज़ करेंगे और आपको बताता हूँ मैं कैसा है पूरा, इसका रिव्यू दूंगा, एक्चुअल रिव्यू रहेगा एंड ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हमने खुद खरीदा है हमारे घर के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो पूरी धूल है, ये हमारा विंडो का पूरा पैनल है, ये फ्रेंच विंडोज का, और ये यहाँ मैंने अभी ये वाला क्रिवाइस नोजल का जो है वो लगा दिया है, ये बटन है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं इसका आवाज वगैरह भी देखते हैं। तो
जैसा कि मैंने बताया था कि 12 मिनट से ज़्यादा आपको कंटिन्यूस यूज़ नहीं करना है, और यहाँ देख सकते हो आप कितनी धूल इसने कैच कर लिया है, और ये इसका पूरा डस्ट बैग है, इसका ये मैक्स लेवल है। ठीक है, यहाँ तक आप डस्ट उसको कलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ आपको देखो क्लियरली दिखेगा ये बाल और ये सब क्या क्या पूरा कचरा इसने खींच लिया है। तो सो फार सो गुड, और भी हम अटैचमेंट्स लगा के देखेंगे। एकदम पूरी तरीके से आई वुड से कि एकदम सक नहीं करता है, क्योंकि 14 kPa ये है सक्शन पावर। अगर आपको और अच्छा पावरफुल चाहिए तो आपको इससे और पावरफुल वैक्यूम क्लीनर लगेगा, बट आप यहाँ देख सकते हो कंपेयर टू ये वाला पार्ट, ये देखो, और ये वाला पार्ट ये देखिए पूरा क्लीन हो गया, जितनी भी धूल थी उसने पूरा ऊपर से उठा लिया है। और हम और भी कंडीशन देखेंगे सोफे पर, फ्लोर पर, कैसा इसका परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये एक्सटेंडेबल हो से इसका, और इसको आपको यहाँ अटैच करना है, और बिल्ड क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लग रही है इसकी। यहाँ पर भी इसका ऐसा पिंच है, और ये रोलर्स है यहाँ पर, और ये फ्लेक्सिबल है ये पूरा, तो ये आपसे ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ हमने आपको दिखाने के लिए थोड़ी मिट्टी डाली है, तो देखते हैं ये पूरी मिट्टी उठाता है या नहीं। बंद किया। तो आप देख सकते हैं इसने बड़ी आसानी से कुछ उठा लिया, पूरा साफ हो गया यहाँ पर, तो काफी इफेक्टिव है आपके बेसिक यूज के लिए। ये एक एक्सटेंशन है जो आपके सीट कवर्स या सोफा कवर्स या सोफे बेड इन सब के लिए है, तो ये एक्सटेंशन लगेगा इसको ऐसा। और अभी हमारा ये सोफा है, इसको हम क्लीन करके देखते हैं। ये देखिए, हमने आपको बताने के लिए यहाँ रुमाल लगाया था, और ये अभी आपको दिखाते हैं कि इसने कितनी धूल निकाली है। ये देखिए, तो आई एम सेटिस्फाइड विथ इनाल्सा, पर आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूअस यूज नहीं करना है, 5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आप इसको यूज कीजिए कंटिन्यूअसली।